अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रुपये वाला बैग कहाँ है शिवा? बैग कहाँ है? वो नोटों से भरा बैग था ना तुम्हारे पास, पैसे दिए थे ना जमा करने के लिए बैंक में, कहाँ है वो? शिव कुछ बोलोगे? आप ये क्या कर रहे हैं? अरे बोलेगा कैसे, इनकी कंडीशन खराब है, इनके आराम की जरूरत है। आपको इनसे जो भी बात करनी है प्लीज बाद में कीजिएगा। अब देखिए उसे सुनाई दे रहा है ना, ठीक से जांच करिए आप। वो हो जाएगा, प्लीज इस वक्त आप यहाँ से चले जाइए प्लीज, पेशेंट को आराम की जरूरत है। घबराइए मत शिवा सर, आपको कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ शिवा बेटा, आज पल्लवी की वजह से तुम्हारी जान बची। बड़ा पाप क्यों करने जा रही मम्मी जी? शिवा सर भी तो इस घर के बेटा है ना। ये तुमसे किसने कहा? जो सच होता है वो कहना नहीं पड़ता, खाई देता है। शिवा सर आपको अम्मा जी और पापा जी को बाबूजी कहकर बुलाते हैं, राम की तरह पापा जी का हर हुक्म मानते हैं, लक्ष्मण की तरह अर्णव जी का साथ देते हैं। इससे घर के रिश्ते अपने आप छूट जाते हैं मम्मी जी। और रही बात घर के कामों की, तो आप उसकी फिक्र मत कीजिए, हमारा फर्ज है और हम अच्छी तरह निभाएंगे मम्मी जी। तुम्हारी बहू तुमसे ज्यादा समझदार है बबली, तुम सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनी हो और वो अनजान होते हुए भी रिश्ते निभा रही, अरे कुछ तो सीखो उससे। ये ढोल कौन बजा रहा है? खुशी की बात तो है ही मम्मी, आज आपके बेटे ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद खुद उसके बाप ने उससे नहीं की थी। मेरी कंपनी को, मेरी मैनेजमेंट को मेरा काम इतना पसंद आया कि उन्होंने मेरी जॉब पक्की कर दी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मामा। ओ
औरतों का सामान तो तुम बेच ही रहे हो। अपना आत्म सम्मान बेच कर भी खा जाओगे तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा विजिटिंग कार्ड पापा, मेरी पहचान। आपके नाम के बिना मैंने घर दिखाया पापा। वाह, इतना बड़ा ढोल बजाते हुए टीम मामूली सा कागज लेकर आए हो। खैर, हमें कोनो ताज्जुब भी नहीं हो रहा क्योंकि बचपन से ही ऐसे तमाशे करते आए हो तुम। वो कहते हैं ना कि भूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। हमें नजर आ गए थे जब तुम अपने दादाजी के साथ किशन कन्हैया बनके दो पैसों का टुनटुना बजाते थे, और जब जरा से बड़े हुए तो गली में या तो क्रिकेट खेलते थे या फिर कंचे खेला करते थे। याद है? अरे बड़ी मुश्किल से हम तुम्हें वहां से निकालकर यहां तक लेकर आए, पर क्या फायदा हुआ? आज इतने सालों बाद तुमने साबित कर दिया कि अंधे को रास्ता दिखाने का कोई फायदा नहीं होता। सही कह रहे हैं पापा, पापा जो बचपन से लेके आज तक मेरे हर रास्ते को अपनी मंजिल के हिसाब से मोड़ते आए हैं, मेरे सारे सपनों को मेरे बाप होने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ तोड़ते आए पापा आप। लेकिन और अब मैं ऐसे आपको करने नहीं दूंगा। ये नौकरी मेरा सपना है पापा, और इस सपने को पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मेरे कदमों को मेरी मंजिल का पता है, और इस बार आप मेरे कदमों को नहीं मोड़ पाएंगे। कोनू जरूरत भी ना है, तुम्हारे बाप हैं हम, अच्छे से जानते हैं अपने दम पर कितना चलोगे तुम। करते हाँ? हम है ना, हम तुम्हारे पापा को समझाएंगे, वो समझ जाएंगे। तुम अपनी पत्नी को समझाओ तो, वो देखो आज उसने क्या किया पता है तुम्हें? मम्मी उसने मेरी, आज जो मेरा सपना पूरा हुआ वो सिर्फ और सिर्फ पल्लवी की वजह से हुआ है मम्मी, और यहाँ पे भी आपको उसकी गलती नजर आ रही है। उसने तुम्हारे साथ जो किया ना वो तुम देखो, लेकिन अभी इस समय वो जो कर रही है ना वो के बारे में बात कर रहे हैं हम। ऐसा क्या कर रही है वो? हम कुछ नहीं बोलेंगे, तुम खुद आंखों से देखो। जाओ जाओ, नहीं चलो हम दिखाते हैं, चलो। अरे लेकिन मम्मी शिवा को हुआ क्या? ये सब क्या है मम्मी? शिवा को क्या, पल्लवी को क्या हुआ? पल्लवी ठीक है, एकदम ठीक है। शिवा को थोड़ी सी चोट आई है, थोड़ा सा खून बहा है, और कुछ नहीं हुआ है। और पल्लवी जो है ये जिद कर रही है कि खून वही देगी शिवा को। बोल रहे थे हम कि वो बिलर्ड बंक से जो है वो खून आ रहा है आ रहा है। तुम्हारे पापा भी फोन घुमाए बिलर्ड बंक को, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। ताटा मचा के रखा है, कह रही थी शिवा सर के अंदर खून जाएगा तो हमरा ही जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। जैसे कि शिवा शिवा नहीं, खुद साक्षात शिव जी हो और पल्लवी पार्वती माता हो। मानने के लिए तैयार नहीं है तुम भी पत्नी, और देखो अभी भी खून दिए जा रहे।
बस अभी इतना ब्लड काफी है। अब पेशेंट अब खतरे से बाहर है, आप जाके आराम कीजिए। और अगले 2-3 दिन आपको हल्की कमजोरी लगेगी, इसलिए ज्यादा मेहनत वाला या भारी सामान उठाने वाला काम अवॉइड कीजिएगा और ज्यादा आराम कीजिएगा। अर्णव जी, अर्णव जी आप आ गए। शिवा सर के अंदर खून जाएगा तो हमरा ही जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। आपको बुरा लगा हमने शिवा सर को खून दिया? नहीं, तुमने शिवा की जान बचाई है तो मुझे बुरा क्यों लगेगा। हाँ बट झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे अजीब लगा। लेकिन क्यों अजीब लगा आपको? किसी को खून देना, किसी की मदद करना तो पुण्य का काम होता है। I know, पल्लवी, तुमने अच्छा काम किया है, जो भी किया है सही किया है। बट अब जो लग रहा है वो लग रहा है, क्या कर सकता हूँ। शायद हमने आपसे बिना पूछे ये सब किया, इसीलिए आपको बुरा लग रहा है। उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। लेकिन शिवा सर की हालत देख कर... समझ गया हूँ मैं पल्लवी, समझ गया हूँ तुम्हें अपने शिवा सर की बहुत फिक्र है, मैं समझ गया हूँ। बार बार सेम चीज रिपीट करने की जरूरत नहीं है, अभी छोड़ो ये सब। हो गया, जलन हो रही है आपको? What? Seriously? जलन मुझे शिवा से? जलन उन्हें होती है पल्लवी जो इनसिक्योर होती है, और मैं इनसिक्योर नहीं हूं कुछ भी। हाँ सारी हमें लगा, बिल्कुल गलत लगा तुम्हें जलन। एक बात पूछूं, जो तुमने कल किया आज भी किया, जिस तरह तुमने मेरे सामान को बचाया अपनी जान दांव पे लगा के, क्यों किया तुमने ये सब? दुनिया का सबसे आसान सवाल पूछ रहे आप हमसे, इसका जवाब है हमारे पास। आपके लिए किया हमने ये सब कुछ। कल वो सामान आपका था, आज का दिन आपके लिए बहुत खास था। अगर हम उन्हें नहीं बचा पाते ना तो आप हार जाते, और हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते। अर्णव जी, आप हमारी जिंदगी के हीरो हैं, जिसे हम कभी भी हारता हुआ नहीं देख सकते, ना किसी के सामने और ना ही किसी के आगे। पापा जी, मेरी सबसे बड़ी लड़ाई खुद को लेकर पापा की राय से है। मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि मैं लूजर नहीं हूँ, मैं विनर हूँ। थैंक यू पल्लवी, थैंक यू सो मच इस लड़ाई में मेरा साथ देने के लिए।
पल्लू। कोई बात नहीं, ये फोन चार्जिंग पे लगा दो। घबराइए मत शिवा सर, आपको कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। आइए इंस्पेक्टर साहब। बोलिए मिस्टर शिवा, क्या हुआ था आपके साथ? पुलिस यहाँ तक पहुँच गई है, हाँ? कहीं सिपा ऐसा कछु ना बोल दे कि पुलिस हम दोनों तक पहुँच जाए। वो दो औरतों ने हम पर हमला किया और हमसे हमारा पैसों का बैग छीन कर वहाँ से भाग गए। क्या? औरतें पैसा छीन कर भाग गईं? और तुम्हारी कुटाई करके तुमने ये हालत कर दी? अरे शर्म नहीं आई औरतों से पिटकर आ गए तुम? अचानक से उन दोनों ने हमारी आंखों पर पेपर स्प्रे डाल दिया बाबूजी। हमने बहुत कोशिश की उन्हें पकड़ने की, उन्हें रोकने की, लेकिन उन्होंने धक्का मारा और वहां से निकल गई। मम्मी, मम्मी, इसे हमारे बारे में नहीं पता चला। सास आ गई। आपने उन औरतों की शक्ल तो देखी होगी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, उन औरतों ने बुरखा पहना होता इंस्पेक्टर साहब, हम उनकी शक्ल देख नहीं पाए। हेलो, आपने हमसे सब कुछ पूछा बहुजी, लेकिन एक भी बार ये नहीं पूछा कि हम कैसे हैं। इंस्पेक्टर, पल्लवी जी, आपने हमारी जान बचाई है, ये जान आज से आपकी हुई। जब भी लगे मांग लीजिएगा, एक पल भी नहीं लगाएंगे आपके लिए जान देने में। मैं जो हमें नजर आ रहा है वो तुम्हें नजर आ रहा है? खून के बदले में जान का सौदा किया जा रहा है। हमारी उम्मीद से ज्यादा ये मामला जो है गहरा होता जा रहा है। हम कुछ नहीं जानते, जुर्म हुआ है, मुजरिम को पकड़ना आपकी ड्यूटी है, अपनी ड्यूटी निभाइए और मुजरिम को पकड़कर हमें सामने लाइए। हमें हमारे पैसे चाहिए, बस। हम पूरी कोशिश करेंगे और अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमें अच्छे से याद है कि जब हमने इसे धोकर सुखाया था तब इस पर कोई भी दाग नहीं था, फिर ये दाग आया कहाँ से? हमने लगाया जी। नहीं, यही कहना चाह रही हो ना कि हम लगाए हैं ये दाग? नहीं मम्मी जी, लेकिन अरे गुंडे लफंगों के साथ हाथापाई करने से तुमका फुर्सत मिले तभी तो ये घर के कामों में ध्यान दे पाओगी ना। ये अच्छे से धो देना और याद रखना ये तुम्हारे पति की नहीं हमारे पति की बुस्सट है और तुम्हारे ससुर जी दाग से आग बबूला हो जाते हैं।
अगले 2-3 दिन ज्यादा मेहनत वाला या भारी सामान उठाने वाला काम अवॉइड कीजिएगा। अब देखिए सासू माँ ने मेरी कदर न जानी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।